मौजूद हूँ कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी, जिनकी चार बीवियाँ हैं और चारों बीवियाँ एक ही घर में एक ही छत तले रहती हैं। ये चारों बीवियां आप देख सकते हैं, जिनके नाम हफ्सा, मुबशरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको चार बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है, अब ये जिन्होंने रेड टोपी पहनी हुई है, इनकी उम्र 37 साल है। और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है, यानी अगर इनका मैं गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। एक ही घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। इनकी चारों बीवियां इनसे इंतहाई खुश हैं। इनको 28 के 28 बच्चों के नाम याद हैं, कौन सा बेटा किस माह में किस तारीख को कितने बजे कौन से बेड पे पैदा हुआ। सर 28 बच्चे, माशाल्लाह 4 बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के बनाए हुए, इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है, दूसरे में मुकाम रुकमे पर्दा सही नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 28 बच्चे तो होगी तकरीबन 18-20 साल। नहीं, वो तो आपकी जिस्मानी उम्र है। ये मेरा बेटा जो है ना, मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। जो सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है, ये जी इसकी 2.5 माह। सर ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है, आप थकते नहीं है? ये केड़ा मसला है, ये अल्लाह ताला दी अता है, इत्थे बंदे दे थकड़ थुकड़ दी केड़ी गल है। ये चारों एक ही छत तले आपने रखी है, ये कैसे मुमकिन किया? ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन है? ये सारी करीब है, करीब ही खड़ी है। दिल के करीब मेरे। हाँ जी, ये मैं आपको बताता चलूं, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और अगर कोई 5वीं 6ठी 7वीं की इजाजत होती और मेरा नाम शामी की जगह शमीम होता तो शायद मैं इनकी जौजा होता। मुझे बताइएगा, इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यारे एक से एक बढ़कर है। वो तो ठीक है, ये सारे प्यार की निशानी है ये आपके, लेकिन एक दिल के करीब होता है। एक से बढ़कर मैं तो ये कह रहा, पहली जो आपकी वाइफ थी, इन्होंने इजाजत दे दी आपको दूसरी शादी की? अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत दी है तो साथ खड़ी है, सारी जिंदगी साथ निभा रही है। टाइम कैसे देते हैं चारों को? जुमे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुमे से लेकर जुमे तक, अगले जुमे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए, घंटा भी बहुत होता है। तो ये 28 बच्चों में से नाम याद है आपको सबके? जी सबके नाम याद है। मैं बताए चले गिनवाए के फजल से। आप देखें जी, अब्दुल हफीज, अब्दुल मजीद, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, ये बड़े घर वालों से हो गए, छोटे अब्दुल्ला, जियाउल्ला, फादुल्ला, कलीमुल्ला और सैफुल्ला। अस्तगफिरुल्ला। अच्छा जी, और जनाब वो तो आप में से को होता तो उसका नाम रख। नाउज़ुबिल्ला। तीसरी मेरी बीवी से अल्हम्दुलिल्लाह सारे में है, और हसान है, ये छोटा जो 2.5 माह का है, ये इसका नाम जैद है। ठीक है, और चौथी में से? चौथी में से अल्हम्दुलिल्लाह एक सलाहुद्दीन है, ये खड़ा है, सलाहुद्दीन, इमादुद्दीन, सादुद्दीन, और ये जो गोदी में है शुजाउद्दीन। वाह 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 वाह, सब बच्चों के इनको नाम याद है। वाह वाह वाह, इनके लिए क्लैपिंग करें। आपके अब्बू को आप सबके नाम याद है, क्लैपिंग करें। पापा के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे, इनमें से यानी 7 बेटे और 3 बेटियां। इसी तरीके से ये जो दूसरी इनकी बीवी है, इनमें से इनके 5 बेटे 2 बेटियां, यानी टोटल 7। ये जो तीसरी बीवी है, इनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां, यानी टोटल 6। और ये जो चौथी है, इनमें से इनकी 1 बेटी और 4 बेटे हैं, और ये कुल मिलाकर सब बच्चे 28 बनते हैं। सर सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप नींद में किसी को ये तो नहीं कहते हो तू किंदा है? कभी कभी ऐसे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूबा बंदी वाले आपके घर नहीं आए थे? ये हुआ हो, बच्चे सपारा पड़े हो, वो मदरसा समझ के वापस चले गए हो? पता नहीं, ये अल्लाह को बेहतर जानता है, वो तो नहीं आए। मुझे लगता है अगर मंसूबा बंदी वाली कोई औरत आती ना आपके घर तो वो आपको समझाती कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए।